हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी एंड आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ माय सेकंड व्लॉग ऑफ दार्जिलिंग। तो सेकंड डे हमने क्या किया, सेकंड डे हम लोग गए थे टाइगर हिल। ये देखिए, ये टाइगर हिल से व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। एक्चुअली टाइगर हिल आने का समय बिफोर सनराइज का होता है। हम लोग निकले भी थे वैसे थोड़ा जल्दी, बट देन रास्ता कुछ मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया कहीं, तो इसीलिए टाइम पे पहुंच नहीं पाए हम लोग। एंड जब हम लोग पहुंचे तब धूप निकल चुकी थी। फ्रेंड्स, टाइगर हिल जो है 20 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से। मतलब कि आपको 1 hour and 8 minutes लगेंगे टाइगर हिल पहुंचने के लिए फ्रॉम दार्जिलिंग टाउन। अब टाइगर हिल आने का पर्पस क्या है, मतलब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ टाइगर हिल से, आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। बट अगर आप बिफोर सनराइज आ जाते हैं तो फिर आपको सन रेज जो है वो जब माउंट कंचनजुंगा पे गिरती है उस समय जो व्यू देखने लायक रहता है वो देखने के लिए आना चाहिए। ये हम लोग रिटर्न जा रहे हैं टाइगर हिल से। रिटर्न जाते वक्त हमने सोचा कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रास्ता जो है टाइगर हिल का वो काफ़ी रोमांचक है। देखिए, एकदम राउंड मतलब इतने फ्लैग्स भी दिखेंगे रास्ते में, एंड रास्ता काफ़ी ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो रिकॉर्ड किए। डेस्टिनेशन पहुंचने से ज़्यादा मज़ा बाइक राइडर को गाड़ी चलाने में आया, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़बरदस्त था। मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप लोग टाइगर हिल पे हैं तो बिफोर सनराइज़ निकलिए। नॉर्मली 4 से 5 बजे अगर आप निकलते हैं तो शायद टाइम पे पहुंच जाए। हम लोग थोड़ा सा लेट भी उठे थे एक्चुअली, क्योंकि मतलब 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे ना, तो थक गए थे इसीलिए। फिर है तो हमको थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग निकले थे आई थिंक 6 बजे के करीब, तो इसीलिए हम लोग को सनराइज़ देखने को नहीं मिला। बट इट इज़ सैड, एंड मैंने सुना हुआ है कि टाइगर हिल अगर आते हैं तो सनराइज़ के बिफोर जाना चाहिए, ताकि जब सन रेज माउंट कंचनजुंगा पे गिरती हैं तब का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है, तो वो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, काफ़ी मतलब एक दो दुकानें भी थी वहाँ गर्म कपड़ों की, देन दूरबीन वगैरह मिल जाएगा, टेलीस्कोप भी था आपने देखा, तो अगर आपको टेलीस्कोप से देखना है तो वो भी देख सकते हैं। हम लोग ने ट्राई नहीं किया देखने का वैसे भी, क्योंकि बादल से कवर हो चुका था आसमान, तो बस हम लोग वहाँ गए, देखा व्यू, थोड़ा सा आराम किया, पिक्स विक्स ली, वीडियोस लिए, एंड देन वापस जा रहे हैं। वापस जाते वक्त का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि रास्ते कितने अच्छे हैं। मतलब रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा है, जो चला रहा है गाड़ी उसको तो काफ़ी ही मज़ा आएगा। तो अगर आप
दार्जिलिंग आते हैं तो टाइगर हिल ज़रूर से विजिट करें, एंड एज पर मी सुबह जल्दी निकलिए। हम लोग एक्चुअली आज ही निकल भी रहे हैं गैंगटॉक के लिए, मतलब हम लोग गैंगटॉक के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए फिर हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया एंड फिर उस तरह से निकलना पड़ा। सारा सामान लेते हुए हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक की तरफ। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन है वो तो खूबसूरत है ही, बट डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते हैं। ये हमारा गैंगटॉक वाला रूट शुरू हो चुका है, देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ और नदी और सब आपको दिखेंगे रास्ते में। फ्रेंड्स गैंगटॉक की तरफ जाते हुए हम लोग गुजरे दार्जिलिंग टी गार्डन से। ये देखिए दार्जिलिंग टी गार्डन, उतर के ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींचने का सोचा हमने बट फिर नहीं किया, एंड देन हम लोग आगे बढ़े। काफ़ी टी गार्डन दिखेंगे, ये मैंने एक आपको दिखाया, एक ही रिकॉर्ड किया है मैंने, बाकी रास्ते में तो आपको काफ़ी टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे ऑन दी वे फ्रॉम दार्जिलिंग टू गैंगटॉक। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गैंगटॉक की तरफ फिर से। रास्ते में हम लोग को ये ब्रिज दिखा जहाँ से ये रास्ता जो जाता था गैंगटॉक की तरफ जाता था, और एक रास्ता नीचे जाता था तीस्ता रिवर की तरफ। तो हमने सोचा चलो तीस्ता रिवर देख लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग तीस्ता रिवर की तरफ बढ़े। ये दूर से आपको लगेगा कि पानी का कलर ठीक ही है, मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा था नॉर्मल है करके, बट नज़दीक जाके जब मैं तीस्ता रिवर में गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें, और जो मैं लास्ट टाइम हिमाचल गई थी एंड बीस रिवर देखा था वैसा ही है, बिल्कुल एकदम सुंदर। और
काफी ब्यूटीफुल एंड ठंडा। फिर भी मैं पानी में उतरी थी, आप देखेंगे आगे, देखिए वीडियो में। यहाँ पे काफी स्टॉल्स लगा हुआ था, देखिए फ्रूट्स, खाने पीने का सामान कुछ है। देन कैंपिंग वगैरह, रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे है सुविधा, तो उसके शॉप्स भी आपको दिखेंगे। क्या क्या एडवेंचर आप कर सकते हैं तीस्ता रिवर में, उसके बोर्ड्स दिखेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया कैंपिंग भी होता है, तो कैंप्स लगे हुए थे हम लोग जब गए तीस्ता रिवर पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक दिन आप लोग यहाँ ज़रूर रुकें। हम लोग रुकना चाहते थे पर नहीं रुके, क्योंकि हमको गैंगटॉक जाना था। हमने सोचा आते समय करेंगे, बट उस समय भी नहीं कर पाए किसी रीज़न से। तो बट आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी दार्जिलिंग जाऊंगी तो मैं पक्का यहाँ एक दिन स्टे करूंगी। रेट हमने ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन हमको 1500 रेट शो किया, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स इंक्लूडेड है। तेन तेरा नखरा तेरा की कसू मैंने पसंद तू कर दिस निकली ये तो हो राइट ना तेनु माइंड लगे तू मैंने सेक्सी ताई मचा का हो राइट गरम मैडर ठंडा है। ओए जींस भींग रहा है, जींस भींग रहा है, जींस भींग रहा है तुम्हारा। गैंगटॉक में हालत खराब हो जाएगी भींगे हुए जींस में। मानो मेरी बात, यहां तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, वहां बर्फ है सिर्फ, नहीं सूखेगा वहां तक में। कूद जाओ, डूब जाओ, मुझे तैरना भी नहीं आता, बचा भी नहीं रहूं मैं। तेरी मर्जी अब फ्रेंड्स तीस्ता रिवर से हम लोग फिर ये पुल के पास आ गए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ये पुल को पार करके ही हमें जाना है गैंगटॉक। तो इसीलिए हम लोग ये पुल के पास वापस आए एंड गैंगटॉक के लिए गुजरे यहाँ से। एंड फिर से हमारा गैंगटॉक का रूट शुरू हो चुका, तो आप लोग एंजॉय कीजिए रास्ता। आपको रास्ते में क्या क्या व्यूज दिखेंगे, क्या क्या आएगा, वो सब आपको दिखेगा इसमें।
फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपने गैंगटॉक के होटल पहुँचे, जो हमने किया था ट्रिबो होटल में। नाम था नेटलैंड फोन। काफ़ी सुंदर होटल था एंड इसके रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही हमने ऑनलाइन बुक किया था। जैसे कि आप लोग को पता है, ट्रिबो इज़ अ ब्रांड, तो क्वालिटी का एश्योरेंस ज़रूर से रहेगा। बट मैं ये भी बता दूँ, गर्म पानी का इशू हाँ, गर्म पानी आया तो था मतलब, बट उसके लिए आपको एक स्विच ऑन करके रखना पड़ता है। उसके बाद भी पानी गर्म आएगा तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, उसके बाद ठंडा फिर से शुरू हो जाता है, तो वो ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग को अपने रूम का व्यू दिखाया है, और ये देखिए रूम के बाहर का। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये व्यू चाहिए तो नेदरलैंड फोन बुक करें। प्राइस हमको 4 नाइट्स का पड़ा था 8 या 9 थाउजेंड। फिर हम लोग शाम को डिनर के लिए पहुँचे एमजी मार्ग गैंगटॉक, जिसको गैंगटॉक का माल रोड भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स आपको मिल जाएगी, जो भी परचेज करना है परचेज कर लीजिएगा। एंड जो लोग दार्जिलिंग और गैंगटॉक दोनों का प्लान बनाए हुए हैं, तो वो लोग फ्रेंड्स गैंगटॉक से परचेज कर सकते हैं कुछ भी। कंपेयर टू दार्जिलिंग, गैंगटॉक इज़ चीपर एंड क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। सो अगर कुछ भी शॉप करना है तो आप गैंगटॉक से करें, दार्जिलिंग से ना करें तो चलेगा। उसके बाद हम लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए निकले। वैसे सामने ही था, बट हमने सोचा पहले गैंगटॉक कैमजी रोड देख ही लेते हैं मतलब। तो ये थोड़ा बहुत देखा ये, फिर हम लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट रसोई करके हैं वहाँ पे गए खाना खाने के लिए। खाना ठीक था, हमने राजमा मंगाया था बट टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना।